पश्चिम बंगाल में चक्रवाती तूफान रेमल से 24 ब्लॉक और 79 नगर पालिका वार्ड में करीब 15,000 घर प्रभावित हुए हैं, जिसमें अधिकतर दक्षिणी तटीय इलाकों में के हैं। तूफान के कारण हुए हादसों में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तूफान के कारण बीती रात 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली थी। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 2,140 पेड़ उखड़ गए और बिजली के 337 खंभे भी गिर गए। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक आकलन के अनुसार कम से कम 14,941 घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिसमें से कि 13,938 आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं, जबकि 1,003 पूरी तरह ढह गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि प्रशासन ने 2,07,060 लोगों को 1,438 सुरक्षित आश्रय गृहों में स्थानांतरित कर दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम बंगाल में चक्रवात से संबंधित घटनाओं में कम 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तूफान के कारण बीती रात 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चली थी। इस चक्रवाती तूफान ने बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपूपारा के बीच तटीय इलाकों में भारी तबाही मचाई। रेमल से पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में हुई क्षति को साफ तौर पर देखा जा सकता है। कोलकाता और राज्य के अन्य तटीय जिलों में झोपड़ियों की छतों हवा में उड़ गई, पेड़ उखड़ गए और बिजली के खंभे भी गिर गए, जिस कारण से कोलकाता सहित राज्य के कई हिस्सों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई। चक्रवाती तूफान रेमल के मद्देनजर कोलकाता हवाई अड्डे पर उड़ान सेवाएं 21 घंटे तक निलंबित रहने के बाद सोमवार सुबह बहाल हुई।